तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बीएससी कैंपस स्टडी में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बताऊंगा बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 17 फरवरी 2020 का सेकेंड सीटिंग का साइंस का 48 ऑब्जेक्टिव का आंसर की को करेंगे। तो आप भी यहाँ पे 17 फरवरी का यहाँ पे सेकेंड सीटिंग में साइंस का एग्जाम दिए है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हमारा सेट जी है, आपका कुछ भी हो सकता है, इसलिए आप लोग एग्जाम दिए है तो क्वेश्चन को लेकर बैठ जाइए और केवल आंसर को मिलाइएगा और आप लोग कमेंट करिएगा कितना आप लोग का सही हुआ है। तो 48 यहाँ पे कैरेक्ट 48 में 48। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला जा रहा है कि समीकरण 2H2+O2 है एक, तो क्या है, चार ऑप्शन दिए गए थे। तो यहाँ पे फर्स्ट का राइट आंसर क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे, जो कि वियोजन अभिक्रिया हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दो में बोला जा रहा है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र कौन है, चार ऑप्शन दिए गए थे तो दो का राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएंगे, C6H12O6 हो जाएंगे। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर तीन बोला जा रहा है, काफी इजी क्वेश्चन, सोडियम का परमाणु संख्या पूछा जा रहा है तो तीन का राइट आंसर ए हो जाएंगे। सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, तो यहाँ पे 11 होता है। यहाँ पे पूछा जा रहा है द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज, तो सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है, तीन का राइट आंसर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे चार में बोला जा रहा है कि अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होता है, तो यहाँ पे चार का राइट आंसर क्या हो जाएंगे, चार का यहाँ पे बी हो जाएंगे। ठीक है, अंत ग्रहण हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे पांच में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में किस धातु से सोलर सेल बना होता है, तो यहाँ पे पांच का राइट आंसर क्या हो जाएंगे, पांच का ए हो जाएंगे, जस्ता हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे छह में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन लवण है, तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए तो यहाँ पे छह का राइट आंसर क्या हो जाएंगे, छह का सी हो जाएंगे, जो कि K2SO4 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सेवन में बोला जा रहा है निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है, तो यहाँ पे सात का राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सात का ए हो जाएंगे, लिथियम हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे एट में बोला जा रहा है कि इथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, यानी कितने यहाँ पे बॉन्ड होते हैं, तो यहाँ पे एट का राइट आंसर क्या हो जाएंगे, एट का यहाँ पे डी हो जाएंगे। ठीक है, सात हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे नाइन में बोला जा रहा है किसे रासायनिक दूत कहा जाता है, तो यहाँ पे नाइन का राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएंगे, जो कि हार्मोन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे टेन में बोला जा रहा है कि द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक किसने लिखी, तो यहाँ पे 10 का राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएंगे, जो कि लामार्क हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 में बोला जा रहा है निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है, तो यहाँ पे 11 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे, 11 का यहाँ पे डी हो जाएंगे, निर्वात हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 में बोला जा रहा है विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है, तो यहाँ पे विभवांतर का SI यूनिट पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे 12 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे, 12 का यहाँ पे राइट आंसर बी हो जाएंगे, जो कि यहाँ पे वोल्ट हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में बोला जा रहा है किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है, चार ऑप्शन दिए गए तो 13 का राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएंगे, जो कि क्लोरोफिल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 14 में बोला जा रहा है पौधे में उत्सर्जी पदार्थ है, तो यहाँ पे 14 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे, यहाँ पे टैनिन हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 15 में बोला जा रहा है कि टेहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया, तो यहाँ पे 15 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे, उत्तराखंड हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 बोला जा रहा है निम्नलिखित में किसके कारक अम्ल वर्षा होती है, 16 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे, 16 का राइट आंसर ए हो जाएंगे, CO2 हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 बोला जा रहा है कि पौधे में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, तो यहाँ पे 17 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे, रंध्र हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18 बोला जा रहा है निम्न में से सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है, चार ऑप्शन दिए गए थे तो यहाँ पे 18 का राइट आंसर डी हो जाएंगे, आदमी हो जाएंगे, सॉरी यहाँ पे 18 में चूहा हो सकता है, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन में, लेकिन यहाँ पे 18 का राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 बोला जा रहा है कि सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ कचरा का उत्सर्जन होता है, तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए, 19 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएंगे, डी हो जाएंगे, इनमें सभी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 बोला जा रहा है कि तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं, तो हम लोग क्या कहते हैं, तो यहाँ पे 20 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे, 20 का ए हो जाएंगे, नेफ्रॉन हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 बोला जा रहा है कि अमीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है, यानी किस चीज़ को मेजरेट यहाँ पे किया जा सकता है, मापा जा सकता है, तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए, 21 का राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएंगे, विद्युत शक्ति हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22 में बोला जा रहा है कि वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है वो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो यहाँ पे 22 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे, 22 का सी हो जाएंगे, जो कि जनरेटर और विद्युत मोटर यहाँ पे दोनों हो जाएंगे, तो राइट ऑप्शन सी हो जाएंगे 22 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 दर्पण का सूत्र यहाँ पे पूछा जा रहा है, दर्पण का सूत्र क्या होगा, 23 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे, 1YV+1YU
इक्वल टू 1/f हो जाएंगे। तो 23 का राइट ऑप्शन ए हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में किस लेंस के द्वारा हटाया जा सकता है। तो यहाँ पे निकट दृष्टि पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे उत्तल दर्पण उत्तल हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे 24 का ए हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 बोला जा रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे 25 का राइट आंसर ए हो जाएंगे, जो कि अभिकारक हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 26 बोला जा रहा है कि टूथपेस्ट कैसा होता है, तो यहाँ पे 26 का राइट आंसर बी हो जाएगा, जो कि क्षारीय हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है, तो सुचालक बोला जा रहा है, तो 27 का राइट आंसर सी हो जाएंगे, ग्रेफाइट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 28 बोला जा रहा है, निम्नलिखित में कौन कार्बोकिसल समूह है, तो यहाँ पे 28 का चार ऑप्शन देगा, 28 का राइट आंसर सी हो जाएंगे, -COOH हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 29 बोला जा रहा है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है, तो यहाँ पे किस रेखा में, तो यहाँ पे 29 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे, सीधी रेखा में स्ट्रेट लाइन हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 बोला जा रहा है, निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है, तो यहाँ पे 30 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे, 30 का यहाँ पे सी हो जाएंगे, डायोप्टर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 31 बोला जा रहा है, किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है, 31 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 31 का डी हो जाएंगे, बैगनी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 32, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, तो यहाँ पे 32 का राइट आंसर बी हो जाएंगे, ठीक है, दृष्ट धारा हो जाएंगे, डायरेक्ट करंट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 33 बोला जा रहा है कि पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं, तो यहाँ पे 33 का राइट आंसर सी हो जाएंगे, पुष्प में हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 34 बोला जा रहा है कि मेडल ने अपने अनुवांशिक की प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था, चार ऑप्शन दिए गए, तो यहाँ पे 34 का राइट आंसर सी हो जाएंगे, मटर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 35 बोला जा रहा है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है, तो 35 का राइट आंसर ए हो जाएंगे, एक दिशीय हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 36 बोला जा रहा है कि ओजोन परत पाया जाता है, 36 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 36 का बी हो जाएंगे, वायुमंडल की ऊपरी सतह पे। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 37 बोला जा रहा है कि सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है, तो यहाँ पे 37 का राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएंगे, सूर्य हो जाएंगे, सन हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 38 बोला जा रहा है, तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं, तो यहाँ पे 38 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएंगे, डी हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 39 बोला जा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए, तो यहाँ पे 39 का राइट आंसर सी हो जाएंगे, हरे पौधे में। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 40 बोला जा रहा है कि फ्लोएम उत्को द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है, 40 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे, ग्लूकोज के रूप में हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 41 बोला जा रहा है कि स्विच लगाए जाते हैं, तो किस चीज में, 41 का राइट आंसर बी हो जाएंगे, गर्म तार में हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 42 बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है, तो यहाँ पे 42 का राइट आंसर डी हो जाएंगे, प्राकृतिक गैस हो जाएंगे, नेचुरल गैस। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 43 बोला जा रहा है कि मनुष्य में ब्रिक निम्न में किससे संबंधित है, चार ऑप्शन दिए गए, 43 का राइट आंसर डी हो जाएंगे, उत्सर्जन हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 44 बोला जा रहा है कि हाइड्रा में क्या पाया जाता है, तो यहाँ पे 44 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे, 44 का यहाँ पे ए हो जाएंगे, मस्तिष्क हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 45 बोला जा रहा है कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं, तो 45 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे, अम्लीय धातु हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 46 बोला जा रहा है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है, 46 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे, डी हो जाएंगे, जीवधारी हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 काफी इजी क्वेश्चन, प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है, यहाँ पे 47 का राइट आंसर बी हो जाएंगे, प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 बोला जा रहा है, तरंग दैर्ध्य को समानता व्यक्त किया जाता है, 48 का राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएंगे, केडला के रूप में। फ्रेंड्स आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे, क्योंकि हमने यहाँ पे गेस्ट क्वेश्चन किए थे साइंस में, उससे काफी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, फर्स्ट सीटिंग में भी और सेकंड सीटिंग में, इसलिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। फ्रेंड्स मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।